एक्सेल के अंदर मैक्रो कैसे रन किया जाता है या कैसे यूज किया जाता है सीखेंगे इस सिंपल तरीके से। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा है और यहाँ पर मैंने तीन शीट्स में भी डेटा यहाँ पर मेंशन किया है। मुझे इस पर मैक्रो रन करना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, डेवलपर टैब में जाऊँगा, यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड मैक्रो मिलेगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैक्रो का नाम मैं दे दूँगा एग्जाम्पल वन। इसके बाद शॉर्टकट की मैं दूंगा कंट्रोल वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, क्योंकि एक्सेल के अंदर ए टू जेड शॉर्टकट्स होती है, तो ये अपने आप पिक करेगा कंट्रोल शिफ्ट वी, या आप कोई भी दे सकते हैं ए टू जेड। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी लिखना चाहूँगा, सपोज मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग लिख दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग सही करूँगा डेटा की, फिर मैं ओके करूँगा। अब आप देख सकते हैं मैक्रो जो है स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी मुझे काम करना है वो सब यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा मैक्रो में। सबसे पहले मैं इसको डेटा को ठीक करूँगा ऑल्ट ओ सी ए शॉर्टकट से, ऑल्ट एच ए सी। इसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल बी करूँगा और इसको कोई कलर दे दूंगा यहाँ पर। इसके बाद कंट्रोल ए करूँगा, इसको बॉर्डर दे दूंगा और यहाँ पर भी बॉर्डर कर दूंगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर मैक्रो पे और मैक्रो को मैं स्टॉप कर दूंगा डेवलपर टैब में, और स्टॉप मैक्रो। ठीक है गाइस, अब मैं डेटा टू पे जाता हूँ, डेटा टू पे मेरी जो शॉर्टकट थी कंट्रोल शिफ्ट वी, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल शिफ्ट वी। आप देख सकते हैं डेटा फॉर्मेट हो चुका है एक सेकंड में ही। डेटा थ्री में जाऊँगा कंट्रोल शिफ्ट वी, डेटा यहाँ पर भी ठीक हो चुका है। यहाँ भी जाऊँगा कंट्रोल शिफ्ट वी, तो आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पर अपने आप ठीक हो चुका है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा।